अक्टूबर 1957 में रशिया ऐसा पहला देश बनता है जिसकी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने पहली बार अर्थ के ऑर्बिट में कोई मैनमेड ऑब्जेक्ट भेजा है। When Sputnik left its Russian home, the first orbiting Earth satellite. Douglas Edwards reporting. Until 2 days ago, that sound had never been heard on this Earth. Suddenly, it has become as much a part of 20th century life as the whir of your vacuum cleaner. It's a report from man's farthest frontier, the radio signal transmitted by the Soviet Sputnik, the first man-made satellite as it passed over New York earlier today. फिर थोड़े ही दिनों में रशिया एक मैन मिशन प्लान करता है और अपने एक एस्ट्रोनॉट को अर्थ के ऑर्बिट में भेजता है और सेफली वापस धरती पे लाता है। Gagarin parachuted out of the tiny space capsule he was in and he landed here. This was farmland at the time. वो देखकर अमेरिका को थोड़ा डर लगा। वो स्पेस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता था। उस वक्त अमेरिका का पूरा फोकस स्पेस रेस में आगे निकलना था। थोड़े ही दिनों में अमेरिका अपना एक मैन्ड मिशन प्लान करता है और अमेरिकन गवर्नमेंट ऐलान करती है कि हम इस साल के अंत तक मून पे जाके सेफली अर्थ पे लौट के आएंगे। Before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. उस समय ये एक बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद अमेरिका अपने मिशंस का नाम अपोलो मिशंस रखता है। इस अपोलो प्रोग्राम के दौरान कुल 14 मिशंस होता है। पहले मैन मिशन में अमेरिका के 3 एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है, बट फिर अपोलो 11 के दौरान अमेरिका के 3 एस्ट्रोनॉट सेफली चांद पे पहुंचकर अर्थ पे लैंड करता है, जिसमें से चांद पे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग थे। अपोलो प्रोग्राम के बाद अमेरिका एक पे एक मिशन लॉन्च करते जाता है। इसी तरह शुरुआत होती है स्पेस रेस की। इसी स्पेस रेस में चाइनीज स्पेस एजेंसी CNSA और इंडियन स्पेस एजेंसी ISRO, ये दोनों ही स्पेस एजेंसियां टॉप 5 एजेंसियों में आती है। चाइना और इंडिया ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पर स्पेस एजेंसी शुरू की थी। चाइना ने अपना फर्स्ट रॉकेट जिसका नाम है डोंग फोंग होंग, जो कि अप्रैल 1970 में लॉन्च किया था, और ISRO ने अपना पहला रॉकेट जिसका नाम है रोहिणी 75 जो नवंबर 1967 को लॉन्च किया गया था। ISRO की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी बाय सर विक्रम साराभाई, और चाइनीज स्पेस एजेंसी की स्थापना 1956 में हुई थी जिसका पहले नाम था मिनिस्ट्री ऑफ एयर स्पेस, जिसके बाद 1993 में स्पेस एजेंसी के 2 पार्ट हो गए CNSA और CNSC। अब हम दोनों एजेंसी के बजट के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया अपनी स्पेस एजेंसी में 1.7 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करता है, जो कि इंडियन रुपीस में 13,700 करोड़ होता है। चाइना अपनी स्पेस एजेंसी में 8.9 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करता है, जो कि इंडियन रुपीस में 73,000 करोड़ होता है। अब हम दोनों स्पेस एजेंसी के मिशंस के बारे में बात करते हैं। ISRO ने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के तहत चांद के डार्क साइड पर लैंड करने की कोशिश की थी, बट हम मून के डार्क साइड पर लैंड नहीं हो सके। दूसरा, ISRO ने मार्स ऑर्बिटल मिशन भेजा था, जिसमें ISRO ने पहली बार में मार्स के ऑर्बिट में ऑर्बिटल को एस्टेब्लिश्ड कर दिया था। उस वक्त एक भी ऐसा देश नहीं था जो पहली ही बार में मार्स में ऑर्बिटल सेट कर पाया हो। ISRO का तीसरा मिशन है एस्ट्रोसेट, जो कि एक अर्थ ऑर्बिटल मिशन था। अब हम चाइना के मिशंस के बारे में बात करते हैं। चाइना ने चेंगी प्रोग्राम के तहत 5 मिशन लॉन्च। इस मिशन के तहत चाइना ऐसा पहला देश बना जिसने चांद के डार्क साइड में लैंड किया। चाइना भी चांद के डार्क साइड में लैंड होने से पहले 4 बार फेल हुआ था। चाइना का दूसरा मिशन है सिंजाओ प्रोग्राम, जिसके तहत चाइना ने 12 मिशंस लॉन्च किए थे, जिसमें चाइना ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा था। चाइना का तीसरा मिशन है तिंगाओ 1 और 2। चाइना और ISRO दोनों ही अपने अपने स्पेस स्टेशन बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। चाइना ऐसा पहला देश है जिसने आर्टिफिशियल सन और आर्टिफिशियल मून बनाया है। अब चाइना और इंडिया के फ्यूचर मिशन के बारे में बात करते हैं। पहले हम इंडिया के फ्यूचर मिशन के बारे में बात करते हैं। पहला मिशन है आदित्य L1। इस मिशन के तहत इंडिया सन की सरफेस को स्टडी करेगा। ये मिशन मार्च 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ISRO का दूसरा फ्यूचर मिशन है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के तहत ISRO फिर से अपनी एक सैटेलाइट
चांद के ऑर्बिट में भेजेगा और अपना एक रोवर चांद के डार्क साइड पर लैंड करने की कोशिश करेगा। ये मिशन इसरो 2023 जून में करने वाला है। इसरो का थर्ड मिशन है गगनयान मिशन। गगनयान प्रोग्राम के तहत इसरो 3 मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन के तहत इसरो पहली बार अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजेगा। इसरो का फोर्थ मिशन है मंगलयान 2। मंगलयान 1 में इसरो ने सबसे लो कॉस्ट में और पहली ही बार में सैटेलाइट को मार्स के ऑर्बिट में पहुंचा दिया था। मंगलयान 1 2014 से मार्स के ऑर्बिट घूम रहा था, बट 2022 में उसकी बैटरी खत्म हो जाने के कारण मंगलयान 1 के रोवर ने काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण इसरो अब मंगलयान 2 लॉन्च करने जा रहा है, जो कि एक साल बाद 2024 में लॉन्च करने वाला है। इसरो का पांचवा मिशन है एस्ट्रोसेट 2। अब हम चाइना के फ्यूचर मिशन के बारे में बात करते हैं। चाइना का फ्यूचर मिशन है तियानवेन प्रोग्राम, जिसके तहत चाइना तियानवेन 1, 2, 3 और 4 लॉन्च करने जा रहा है। इस मिशन के दौरान चाइना अपने एक रोवर को मार्स पे भेजने वाला है। इसी तरह चाइना स्पेस रिसर्च और डेवलपमेंट के रेस में थर्ड रैंक हासिल किए हुए है और इंडिया फोर्थ रैंक। अब हम इंडिया और चाइना के रॉकेट के बारे में बात करते हैं। चाइनीज एजेंसी के लॉन्ग मार्च सीरीज के कुल 21 रॉकेट है। उनके रॉकेट स्पेस में जाते तो है, पर वापस आके कहाँ गिरते हैं वो खुद उनको भी नहीं पता होता। खैर, वो तो उनका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं इसरो के रॉकेट के बारे में। इसरो के मेनली 4 रॉकेट है, PSLV, GSLV Mark 3, GSLV, RLV, SB। इसमें से PSLV रॉकेट ने फरवरी 2017 में 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। चाइना अपनी स्पेस एजेंसी CNSA में इंडिया से 6 गुना पैसे लगाता है, फिर भी इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो और चाइनीज स्पेस एजेंसी CNSA सेम ही पोजीशन पे है। अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया हो तो आप इसरो और नासा का कंपैरिजन भी देख सकते हैं। उसकी लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।